अमित शर्मा आपका होस्ट, और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा चैनल पाल एसोसिएट्स, इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है ज़्यादातर रियल एस्टेट से रिलेटेड, और वैसे ही हम आपको आज रियल एस्टेट से रिलेटेड ये कंसेप्ट लेके आए हैं। 139 यार्ड्स की एक कोठी, और इस कोठी की जो स्पेशलिटी है वो है इसकी प्राइम लोकेशन जो बिल्कुल जलवायु टावर के ऑपोजिट पड़ती है। आप देखिए इस कोठी की एलिवेशन जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, बहुत ही उम्दा तरीके से इसको पेश किया गया है कोठी को। इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स और इसका जो गेट है, इसकी फ्रंट पार्किंग काफ़ी खुली है जिसमें आप अपनी कार को लगा सकते हो। जो इसकी एक्स्ट्रा बर्म मिलती है वो भी एज अ पार्किंग इन्होंने इक्विप कर ली है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और कोठी का एक बार ओवरव्यू करते हैं। देखिए गेट आयरन स्टील गेट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। देखिए प्लीज़ गेट का कलर कम्बिनेशन, शीट कलर कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा किया गया है, और यहाँ पे फ्रंट पार्किंग आपको बहुत अच्छी मिलती है जिसमें आप अपनी बहुत ही अच्छी हैचबैक लगा सकते हैं गाड़ी, और साइड में भी पार्किंग आपको मिल जाएगी। साथ ही में आपको वाटर स्टोरेज टैंक भी मिल जाएगा। चलिए आइए अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप इस डोर को देखिए, जो वायर मेश डोर है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी पॉलिशिंग, देखिए क्या बात है इसको की। और ये वुडन डोर जो है इसकी पॉलिशिंग, इसके दिले वाला जो स्टाइल है जो इतना अच्छा इंग्रेव करके किया गया है, बहुत ही अच्छी पॉलिश कर रखी है, और साथ में ये लॉक हैंडल दे रखा है। देखिए आइए प्लीज अंदर आइए। ये है हमारा हॉल, और हॉल अपने आप में ही काफी खुला और ड्राइंग और डाइनिंग को कंबाइन करके किया गया है। इसमें आपको डाउन सीलिंग बहुत अच्छी दी गई है, डाउन सीलिंग के साथ साथ आपको डाउन सीलिंग लाइट्स दी गई है। सामने आपके वॉल पैनलिंग, वॉल पेपर बहुत अच्छा लगाया गया है, किया गया है। नीचे आपके फ्लोर में विट्रिफाइड टाइल्स का जालियां थी, 4x2 की विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। इस हॉल की जो साइज है वो है 21x16 का, और इस हॉल में आपको जो एलईडी पैनल मिलता है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी सनमाइका कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलता है, जिसमें वुडन बल्ब भी कर रखा है और सनमाइका का कलर कॉम्बिनेशन भी कर रखा है। लाइटिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा है इसका, एक बार प्लीज देखिए पास से। इसी के साथ साथ आपको वॉल में बहुत ही अच्छी वुडन पैनलिंग देखने को मिलती है, बहुत ही लाइट कलर की, जो बहुत ही अच्छी उभर के सामने आती है। अब जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं, इस डाइनिंग एरिया को लीव करते हैं, साथ ही में हमारा किचन एरिया आ जाता है। किचन एरिया हैंडललेस, यहाँ पे सारे वुडन कबर्ड्स हैं, हैंडललेस मॉड्यूलर किचन है हमारी। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, पर्पल और व्हाइट का। इसमें हमें डबल बॉल सिंक मिल जाती है, जिसमें एक तरफ बर्तन धोना और एक तरफ बर्तन सुखाने का प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना आरओ सिस्टम भी लगा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने एक किसी भी रूम में। रूम के डोर्स बहुत ही अच्छा सॉलिड बिल्ड, ये भी टीक प्लाई के बीच में बनाए गए हैं, इसकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी की गई है, और हर एक डोर में आपको डोर हैंडल के साथ डोर लॉक मिलेगा। इस रूम का जो साइज है वो है
15x12 और अंदर घुसते ही बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपको, डाउन सीलिंग देख के, डाउन सीलिंग की लाइटें देख के। प्लीज अंदर आइए और इस लाइटिंग के साथ साथ आपको वॉलपेपर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, और वॉलपेपर के साथ साथ इसी वॉल पे आपको एसी की, स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पे कबर्ड एरिया जो आता है वो काफी बड़ा, काफी ऊपर तक बिल्कुल होता है। ज्यादातर जो बिल्डर्स होते हैं वो कॉस्ट कटिंग के लिए हमेशा 8 फुट तक रखते हैं, पर इन्होंने यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग का प्रोसेस नहीं किया, यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने फुल हाइट तक, फुल लेंथ तक इन्होंने कबर्ड तैयार की है। स्लाइडिंग डोर्स हैं, रैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पे एलईडी पैनल की बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आपको एलईडी पैनल बहुत ही बड़ा, जिसमें आप बड़े से बड़ा टीवी भी लगा सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में अटैच बाथरूम में सेम वही कंसेप्ट वाला डोर यहाँ पे भी है टीक वुड के साथ। ये 7x7 का बाथरूम है, इसमें भी वॉल में 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है। चलिए आइए अब अपने दूसरे रूम में चलते हैं, जो कि बिल्कुल ही एडजॉइनिंग है इसके। इसमें भी सेम कंसेप्ट है वुडन डोर का, इसमें भी डाउन सीलिंग में बहुत ही अच्छी कारीगरी कर रखी है, बहुत ही अच्छा लगा डाउन सीलिंग। इसका वॉलपेपर डिफरेंट है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन वुडन अलमीरा, यहां पर भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा किया है, ब्राउन और व्हाइट का। स्लाइडिंग डोर्स हैं, ऊपर तक वुडन अलमीरा है, नीचे वही सेम, और यहां पे आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग मिरर आ गया, और यहाँ पे आपका वो उतना ही बड़ा एलईडी पैनल जिसमें आप बड़े से बड़ा टीवी लगा सकते हैं, साथ में कबोर्ड्स का एरिया भी आ गया इसमें। इसके साथ अटैच बाथरूम, सेम साइज 7x7 का, काफी खुले डुले बाथरूम है यहाँ पे, और ये बाहर का वॉशिंग एरिया आता है, इसमें भी वायर नेक्स्ट डोर की प्रोविजन, काफी अच्छा यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी जा सकती है, और यहाँ पे काफी अच्छा वॉशिंग एरिया इसको यूज किया जा सकता है। चलिए आपको एक बार ड्राइंग और डाइनिंग का ओवरव्यू दिखाते हैं कैसा है, फिर ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमारी ये 3BHK की कोठी है, 2 बेडरूम्स नीचे हैं, 1 बेडरूम ऊपर है। आइए ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते चलते हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, और ये ग्रेनाइट भी बहुत अच्छा ब्लैक कलर की शाइनिंग ग्रेनाइट आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट का ओपन एरिया है। इसी के साथ अंदर हम चलते हैं, अंदर सेम कंसेप्ट वाला आपका दिले वाला वुडन डोर जो बहुत ही अच्छी तरह पॉलिश्ड है, और इसी के साथ हम अंदर एंटर करते हैं, एक हमारा हॉल आ जाता है, और साथ में ये किचन एरिया आ जाता है। किचन एरिया उसी कंसेप्ट में हैंडललेस मॉड्यूलर किचन में है, सेम कलर कॉम्बिनेशन ब्राउन, पर्पल और व्हाइट का, और इसके साथ ही हमारा एक 1 बेडरूम आ जाता है यहां पर।
वन बेडरूम जो एक अच्छी छोटी फैमिली के लिए अगर आप रेंट पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए सफिशियंट होगा। और सामने ही आपकी विंडोज आती हैं जो बहुत ही अच्छा व्यू देती हैं। देखिए प्लीज यहाँ से सामने कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है। अकेला बैठा होता यहाँ पे कोई बोर नहीं हो सकता। और ये पैनल काफी बड़ा, छोटा है लेकिन पैनल नहीं कह सकते इसको, काफी बड़ा है जिसमें बड़ी सी हम एलईडी लगा के अच्छे से बैठ के देख सकते हैं। और ये कबोर्ड आ गया, छोटे से फैमिली के लिए छोटा कबर्ड, देखिए बहुत ही शानदार। और ये साथ में की बाथरूम, ये 6x5 का बाथरूम है और वॉल है बहुत ही अच्छी। यहाँ पे 2x4 की वॉल टाइलिंग करके रखी है। आइए बैक बालकनी में चलते हैं जो काफी खुली डुली और काफी बड़ी स्पेशियस है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये कॉन्सेप्ट और कैसी लगी हमारी ये कोठी? अगर इस कोठी के बारे में आपको किसी भी चीज की, किसी भी इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है तो प्लीज हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।